गुड मॉर्निंग। तो हो चुके हैं रेडी और तो ये व्लॉग शुरू होता है कल के दिन में, दैट वाज यस्टरडे इन इलाहाबाद। आज हमारी राइड जाएगी यहाँ से निकल करके दिल्ली, और अप्रॉक्सीमेटली 745-700 किलोमीटर्स का कुछ रन है आज का। तो बहुत बढ़िया, आज हमारी जो हिमालयन है वो सबसे लंबे राइड पर जाने वाली है अभी तक। सामान वगैरह सब कुछ पैक कर लिया है, हमारा बैग तैयार है, सब कुछ रेडी है, बस ये थोड़ा सा शॉर्ट्स वगैरह अंदर डालने हैं, एक कप चाय ब्रेड बटर खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। बन गया है सामान ये इस पर यहाँ से होते हुए, क्योंकि अभी इसमें जो रेल्स हैं वो नहीं लगे हुए हैं बैग बांधने के लिए, तो उसका जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है उसके ऊपर ही रख दिया है। समय हो चुका है 6:30 और निकल चुके हैं, सूरज देवता भी सामने से आ चुके हैं। बहुत सही, घर से निकले हुए 2 घंटे हो चुके हैं, फतेहपुर क्रॉस कर चुके हैं और जो मज़ा आ रहा है इस हिमालयन को हाईवे पर दौड़ाने में, वाइब्रेशन बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। जैसे क्लासिक थी 80 की स्पीड में पहुंचते थे, 90-100 वाइब्रेशन समझ में आती थी, इसमें अभी तक तो 100 तक गए हैं पर कोई वाइब्रेशन समझ में नहीं आई है। चलाने में बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ, मज़ा आ रहा है। जब हम लोग दिल्ली की तरफ जाते हैं तो इलाहाबाद से कानपुर, और जब हम लोग दिल्ली से इलाहाबाद आते हैं तो कानपुर से इलाहाबाद तक, ये जो रास्ता है कानपुर से इलाहाबाद तक का, ये दोनों तरफ से रिदम को ख़राब कर देता है। जब आप इधर से भी हम लोग जाते हैं तो इतनी बार इतना, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरा हुआ नहीं है, तो जो डिस्टर्ब रूट है तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता और बॉडी भी फिर थक जाती है शुरुआत में ही। और फिर अभी आप जो आगे का रास्ता है वो बहुत स्मूथ, क्योंकि पूरा हाईवे बन चुका है कानपुर से लेकर दिल्ली तक, पूरा हाईवे एकदम स्मूथ है। समय हो चुका है कुछ खाना खाने का, तो खाना खाते हैं। आ चुकी दाल, ये है रोटियां, तंदूरी रोटी और सलाद, हाईवे का बेस्ट खाना। तो कर लिया लंच, कानपुर क्रॉस हो चुका है भैया, सफर अभी लंबा है। अभी बज रहा है 3 और पहुंचने वाले हैं आगरा, धूप बहुत तेज है और इस तरीके की जो हाईवे है यहाँ पर सारे पेड़ काट दिए गए हैं। बाप रे बाप, इतनी तेज धूप लग रही है सामने से। अब जब आपके पास हिमालयन है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपने हाईवे से कहीं दूर पेड़ देखा और बस गाड़ी हाईवे से नीचे उतार दी और पेड़ की छांव में आ गए। चलते चलते थोड़ा सा आराम किया जाए, पानी पीते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे 20 किलोमीटर और है, थोड़ा सा पानी पी के रेस्ट करके फिर चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत है। एक बार हिमालयन पे जब क्रूज़ करना शुरू कर रहे हैं ना, जब क्लासिक थी तो 60-70-80 ऐसी स्पीड होती थी, 80-90 इस तरीके से क्रूज़ करते थे आराम आराम। इसमें वही मज़ा आता है 80-90-100। एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब हम हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं और स्पीड है अराउंड 80-100 के बीच में, यहाँ से जो हवा आती है वो विंड सीधे आके हमारे हेलमेट पे लगती है या हमारे चेस्ट पे, हमारे गर्दन के एरिया पे। क्योंकि उससे पहले क्या था कि जब क्लासिक थी तो क्लासिक की पूरी हवा सीधे पूरी बॉडी पे लगती थी। वही चीज़ है, एडजस्ट करने वाली बात है, एडजस्ट हो जाएगा धीरे धीरे। हिमालयन की सबसे अच्छी बात है जो उस पर हम खड़े होकर जब चलाते हैं, जैसे आप बैठे बैठे थक गए हैं तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी पर खड़े हो सकते हैं और पूरी स्पीड से आप आराम से चल सकते हैं और पूरा, मतलब आप ड्राइविंग का भी मज़ा ले सकते हैं। ये फैक्टर इसका बहुत ही बढ़िया फैक्टर है। नई बाइक का चला करके और हाईवे पे जिस तरीके से उसका रिस्पांस रहा था बहुत अच्छा, मतलब मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम बच गया था। लास्ट में मैं यमुना एक्सप्रेसवे पर पूरा सनसेट अच्छे से एंजॉय किया और उसके बाद फिर आराम से घर आए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत था। और ये समय इसीलिए हो पाया क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो हिमालयन है वो काफ़ी तेज़ चली, उसने काफ़ी सारा समय, काफ़ी सारा डिस्टेंस बहुत जल्दी से कवर किया। और आदि को कैसी लगी उसकी नई बाइक? अच्छी लगी। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।